नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल में। ओके बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.1 नंबर क्वेश्चन, जो आपका चैप्टर 2 है, सॉल्यूशन विलयन चैप्टर है। उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया गया है ना प्रश्न, उसी को हल करना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H4OH का होल ट्वाइस, तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक विलयन तैयार किया गया जिसमें सॉल्यूट क्या है आपका एथिलीन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम लिया गया। ठीक है, और जल कितना है 200 ग्राम लिया गया। क्या बनाया जा रहा है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। प्रति हिम का मतलब ये हुआ ना, प्रति हिम मिश्रण, कि किसी पदार्थ को जमने ना दे, इसलिए इसका प्रयोग प्रति हिम मिश्रण के रूप में बनाया गया है। विलयन की मोलालता की गणना करनी है, मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलैलिटी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में। ठीक है, और कह रहा है उसके साथ ही विलयन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलरता भी निकाल सकते हैं, है ना। मोलरता में भी नंबर ऑफ मोल्स की आवश्यकता पड़ेगी, आयतन लीटर में चाहिए। ठीक है, तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल कितना दिया गया है, देखिए एथिलीन ग्लाइकोल क्या फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है C2H6O2। ये वही फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, C2H6O2 बराबर कितना दिया गया है, 222 सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये कितना दिया गया है, 222.6 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और वाटर कितना दिया गया है बच्चों, वाटर जो है आपका H2O जिसको आप कहते हैं H2O, कितना दिया गया है, 200 ग्राम जल लिया गया है। ठीक है, एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता ये पड़ेगी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलर मास होता है, यानी आपका भार बटे अणुभार होता है ना। यानी एथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूट है, तो इसका भार कितना है आपके पास, 222.6। अब इसका मोलर मास भी निकालना होगा, तो मोलर मास मैं इधर निकाल ले रहा हूं, मोलर मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल है ना, एथिलीन ग्लाइकोल का क्या फार्मूला, C2H6O2, निकालिए कितना आएगा, दो कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 12 होता है, प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, जोड़ लीजिए, 12 × 24 प्लस 6 × 6 और 16 × 32 गुणा करिए, 6 × 2 = 8 = 4 12 × 2 हासिल 1 × 3 6 6 × 2 = 8 4 12 × 2 हासिल 1 = 3 × 5 = 6 62 आया है ना। मोलर मास कितना आया बच्चों, 62 आया इसका, यानी नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, भार बटे अनुभार होता है। सॉल्यूट का भार कितना है, 222.6 ग्राम दे दिया है, और मोलर मास एथिलीन ग्लाइकोल का निकालेंगे तो 62 आएगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे 222, 3.59 मोल आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने। अब क्या पूछ रहा है आपसे, मोलैलिटी पूछ रहा है ना, यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको आप मोललता कहते हैं, है ना, मोललता, मोललता बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला है आपने बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला है, 3.59, और बटे सॉल्वेंट का वेट कितना है, 200 ग्राम है ना, चूंकि 200 ग्राम में दिया हुआ है, हमें चाहिए केजी में, तो 1000 से भाग दे देंगे। हल करिए कितना आएगा, 3.59 गुणे 1000 बटे 200,
ठीक है। अब यहां से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 × 5 = 10, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जाएगा 17.95। कैसे आएगा? मोल केजी इनवर्स में आएगा, ठीक है। ये हमसे पूछा था बच्चों कि मोललता कितना होगा, तो मोललता हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको? मोलरता निकालना है, लेकिन चूंकि मोलरता निकालने के लिए हमें आयतन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आयतन तो है नहीं हमारे पास मालूम, तो डेंसिटी दिया, डेंसिटी से आयतन की गणना हम कर सकते हैं। चूंकि डी डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, होता है ना, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे डेंसिटी होता है। अब देखिए मास कितना है, जो हमारे पास टोटल मास है, तो मास इसका टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा? देखिए ये है हमारे पास 222.6 और वाटर कितना है 200, यानी 222.6 + 200 बटे डेंसिटी कितना है बच्चों? डेंसिटी है 1.072। ये कितना आ जाएगा? 200 और 222.6 = 1.072। अब देखिए इसे 0.27 ये भाग देंगे तो कितना आएगा? 394.22 ml में आएगा बच्चों, ठीक है, 0.394 लीटर आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास आयतन, किसमें? लीटर में, 1000 से भाग दे लिया है हमने, ठीक है। अब क्या करना है, हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी बता दीजिए, है ना, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो मोलैरिटी यहां से निकाल लेंगे। मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी माने होता है मोलरता, ठीक है। मोलरता का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बटे आयतन लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला है आपने? 3.59, ठीक है, और आयतन लीटर में है 0.394, ठीक है, ये आएगा 9.11, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स वन में आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, यही हमसे पूछ रहा था कि इनकी मोलारता कितनी होगी और मोलैलिटी कितनी होगी, ठीक है। मोलैलिटी ये रहा आपके सामने मोल प्रति केजी इनवर्स, और ये आपका मोलैलिटी जो है आपका 9.11 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।